नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को 2500 के आसपास बाइंग किया है, तो सोच रहे हैं कि हम फंस गए, क्योंकि दोस्तों देखा है तो कभी स्टॉक में तेजी आ जाती है, कभी गिरावट हो जाती है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए जो कंपनी जिस टाइप का रिटर्न बना के देगी तो वो उसी टाइप से रिस्क भी दिखाती है। हालांकि रिस्क की बात करें तो जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया वही मतलब सोच रहे हैं कि हम फंसे हैं। हालांकि जिन्होंने इस कंपनी को लोअर लेवल पर बाइंग किया वो तो जाहिर सी बात है उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो बिंदास होल्ड कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी 100 कंपनियों की, वर्ल्ड की जो डिफेंस सेक्टर की 100 कंपनियां हैं दोस्तों, उसमें देखा है तो मझगांव डक का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का और भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ये 3 कंपनियां शामिल हो गई है। हालांकि दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो इसमें देखिए पॉजिटिव न्यूज़ या गुड न्यूज़ तो अपने को देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में एक OFS दोस्तों, OFS ही एक ऐसा चीज़ है जो कि देखा है तो मतलब जो इन्वेस्टर है दोस्तों, मतलब कि इन्वेस्ट करने से इस कंपनी मतलब कि बच जाते हैं। हालांकि यही एक खतरा इस कंपनी के ऊपर या इन्वेस्टर के ऊपर देखने को मिल जाता है। ये जिस दिन क्लियर होगा दोस्तों, ये कंपनी आने वाले समय में अगला HLA का ही है, चाहे 5000 के लेवल तक भी ये कंपनी जाती हुई दिख सकती है। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्या अभी इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए, जिन्होंने भी टॉप पे बाइंग किया दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आ गए मझगांव डक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 1% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ऐसा नहीं पूरा आज के दिन मतलब मार्केट हरे निशान में था, तो मतलब बहुत सारे लोगों की अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो वो हो सकता है कि रेड जोन में देखने को मिले होंगे। ऐसा देखा जाए तो कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, उसके बाद स्टॉक एक फ्लैट चलता है, फिर स्टॉक मतलब कि थोड़ी सी मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आने के बाद फिर आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग के गैप डाउन होकर के कंपनी जो कि क्लोजिंग देती है। अगर मैं आज के हाई की बात करूँ तो कंपनी का 2124 रुपये देखने को मिलेगा। हालांकि जो कंपनी का 2487 रुपये मतलब जो कह सकते हैं मतलब 2500 के आसपास जो कंपनी का हाई है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को यहाँ पे बाइंग किया है। हालांकि देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 1150% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे जो देख रहे दोस्तों कंपनी फ्लैट चलने के बाद तेजी, वापस थोड़ी सी गिरावट है, फ्लैट चलती वापस तेजी, मतलब देखा जाए दोस्तों तो इसी टाइप का इस कंपनी में वर्क होते हुए दिखता है। ऐसा नहीं मतलब कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए क्या करें, तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई दोस्तों, मतलब कि आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो 2020 में ये कंपनी मार्केट में आती है, 170 रुपये के प्राइस पे कंपनी लिस्ट होती है, उसके बाद नहीं चलती है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, कितने दिनों तक नहीं चलती है, उसके बाद जब चलना स्टार्ट करती है दोस्तों, जब मतलब इन्वेस्टर को इस कंपनी के बारे में पता चलता है फिर ये कंपनी रॉकेट भी बन जाती है। क्या करना है दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 3 इंडियन कंपनी की बात करें जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एमॉन्ग द टॉप 10 आर्मीज में बात करें दोस्तों, जो कि मैन्युफैक्चरर इन वर्ल्ड में दोस्तों, जो कि देखा है तो आप कह सकते हैं कौन कौन सी कंपनी सबसे पहले देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मझगांव डक का जो कि पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द लिस्टेड वास जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से डोमिनेट बाई US और चाइना की कंपनियाँ हैं दोस्तों, उनमें ये कंपनी मतलब कि इंडिया की देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों 2022 की बात करें जो कि ग्लोबल सेल्स के अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, 100 जो टॉप 10 कंपनियाँ हैं उनमें 547 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पर यूक्रेन एंड जो कि देखा है तो बहुत सारे मतलब कि देशों की बात करें जिनकी टेंशन चल रही है, रसिया यूक्रेन की टेंशन की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मतलब कि एक ये सबसे बड़ा आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉक होलम की बात करें इंटरनेशनल स्पेस जो कि पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशनल है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये रिसर्च रिपोर्ट जो कि रिसेंटली जो कि पब्लिश किया गया है जिसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल होते हुए दिख रही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक और यहां पे मझगांव डक का भी आपको नाम देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इसमें जो 100 कंपनियां पूरे वर्ल्ड की शामिल है उसमें US और चाइना की भी कंपनियाँ शामिल है, जिसमें देखा है तो भारत की भी कंपनियाँ डोमिनेट कर रही है। तो ये सबसे बड़ा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। मतलब जो रिटेलर्स सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक में फंस गए क्या करें, तो सबसे पहले इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिस्पॉइट नोटेबल इंक्रीज इन द ग्लोबल डिमांड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 3.5% डिक्लाइन देखने को मिले हैं रेवेन्यू में जो कि 100 कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो रियल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो कंपेयर 2021 से एट्रीब्यूट करेंगे देखेंगे दोस्तों जो कि हाईटेड देखने को मिलेगा, जो कि डिमांड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं दोस्तों कि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें जो कि 4th मतलब आप कह सकते हैं कि 41वें पोजीशन पे जो कि कंपनी आती है। यहाँ पे अगर वेल की बात करें तो 63 नंबर पे कंपनी आती है जो कि 1.9 बिलियन के आसपास देखने को मिलता है। मझगांव डक की बात करें तो 89 नंबर पे कंपनी आती है जो कि 1 बिलियन के आसपास देखने को मिलती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये
अब थोड़ा सा नंबर जो कि नोट कर सकते हैं, हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भी नीचे आ सकता है, मझगांव डक की बात करें तो वो भी और नीचे आ सकता है। मतलब देखा जाए तो जो भी डिफेंस सेक्टर की भारत की कंपनियां हैं दोस्तों, उसे मतलब आप कह सकते हैं कि ये सारे नीचे ही उतरते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए मतलब जो रेवेन्यू की बात करें तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो वही अभी 150% से रिलेटेड 97 डिफेंस रेट, मतलब देखा जाए दोस्तों तो इससे रिलेटेड अगर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक जो डिफेंस जो है दोस्तों DAC की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें 223,000 करोड़ का, जो कि इसका मतलब कि अभी तक जो कि ऑर्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब देखा जाए तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियो में हमने डिस्कस भी कर, स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है तो 2500 के आने वाले समय में कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी करती क्या, जो रिटेस्टर नए हैं उनको नहीं मालूम दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी के पास देखा जाए जो कि कॉन्टेक्स 801 विसल, मतलब जो कि बड़े बड़े जहाज की बात करें, उसको सबमरीन की बात करें, जो पनडुब्बी होती है दोस्तों, तो उसमें देखा तो सबमरीन से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है। वर्शिप यहाँ पे आप देखें तो कार्गो पैसेंजर शिप से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है, कंपनी के पास रिपेयरिंग का भी काम है दोस्तों, और कंपनी जो कि खुद का मैन्युफैक्चरर भी काम करती है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि एयर डिफेंस से रिलेटेड काम करेगा, तो ये कंपनी जो कि सबमरीन से रिलेटेड काम करेगी, जो कि शिप कार्गो आप कह सकते हैं, मतलब कि जो पानी वाली जहाज रहेगी दोस्तों उससे रिलेटेड काम करेगी। इस कंपनी का 41,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 2427 मतलब 85 के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था। ROC देखा है तो अभी तक कंपनी का अच्छा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए जिन्होंने भी इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, PSU सेक्टर कंपनी दोस्तों, तो फ्यूचर में कंपनी बोनस और कॉर्पोरेट सेक्शन जैसे कुछ एक्टिविटीज मतलब ज्यादा से ज्यादा भी कर सकती है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं देखूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो मतलब जो कंपनी देखने को मिल रही है, देखिए तीन कंपनियां देखने को मिलेगी जिनमें मोनोपोली मझगांव डक ही, मतलब जो कि मार्केट देखा जो डोमिनेट करता है दोस्तों, मझगांव डक ही आपको देखने को मिलेगा, 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोचिन शिपयार्ड गार्डन सिच की बात करें तो ये भी कंपनी पीछे नहीं है, हालांकि ये जो कि पैसेंजर जहाज से रिलेटेड भी काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और भी है कि सबसे पहले आपसे बता, देखिए कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे, मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलेंगे, तो सकता है कि थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 12-13% था, लेकिन अभी की बात करें तो 15-17% देखने को मिल रहा है। जैसा कि अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 20-10% के आसपास था, अभी की बात करें तो 60-40% देखने को मिल रहा है। CGR की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। हाँ, सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का डेट नहीं है, मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, जितना भी ऑर्डर्स मिलेगा कंपनी प्रोडक्ट रेडी करेगी। हालांकि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों 2-3 सालों में 5 सालों में एक लंबा समय लगता है, फिर जाके वो प्रोडक्ट रेडी होते हैं, मतलब सबमरीन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ता है। जो सबसे खास बात है दोस्तों, देखिए 3 साल का लॉकिंग पीरियड तो पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन हाँ ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय दोस्तों जो OFS आते हुए दिखेगा, चाहे ब्लॉक डील कहे चाहे कुछ भी कहे दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय देखा है तो 2024 इससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया दोस्तों, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मतलब जो कि देखा है तो अगस्त 2024 तक हो सकता है कि इस कंपनी में भी OFS आते हुए दिख सकता है, जो कि 75:25 का रेशियो फुल फिथ होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पर DIs FIs की बात करें तो जो कि देखा है तो मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास स्टेक है नहीं, हालांकि मार्केट में ही कितना अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल जाते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए अगर कंपनी की बात करें तो इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1125% का कंपनी रिटर्न बना के, वही पी सी स्टॉक में देखा जाए तो मतलब जो वॉल्यूम की बात करें तो सबसे पहले 1% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। देखा है तो सितंबर महीने में कंपनी ने हाई लगाया था, वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनते नहीं, लेकिन हाँ जिस समय तेजी या गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी उस समय इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मतलब जितना शेयर मार्केट में अवेलेबल है नहीं दोस्तों, आपसे बताएं जिस समय बाइंग होगी तो जबरदस्त वॉल्यूम भी बनते हुए दिखेगा, लेकिन हाँ उस समय आप अगर डिलीवरी परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों तो माल बहुत ही कम से कम उठाया जाएगा। ये एक इसमें आप चाहे निगेटिव कहिए चाहे पॉजिटिव कहिए दोस्तों, जो आपको सोचना है आप सोच सकते हैं। ऐसे में अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं गिरना है तो मतलब अगर गिरावट होती है तो आपको इस स्टॉक से डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, फ्यूचर में इस कंपनी का भी सबसे ज़्यादा मतलब कि योगदान होने वाला है डिफेंस सेक्टर में। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया 83 नंबर पे कंपनी आती है, तो ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते, देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, अगर लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से बाइंग किया है तो। हालांकि दोस्तों जिन्होंने भी शॉर्ट टाइम में बाइंग किया दोस्तों, तो आपको पता ही है शॉर्ट टाइम में कोई भी कंपनी आपको बहुत ही ऐसी कम कंपनियाँ होती जो कि रिटर्न बना के देती है, नहीं तो लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। हालांकि गिरावट होती है दोस्तों, जो हमारा अभी तक का मानना है कि 1500 तक ये कंपनी आ सकती है, तो हालांकि दोस्तों मार्केट है कोई, मैं एनालिस्ट बहुत बड़ा रिसर्चर हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी यहां तक आ भी सकती है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 2500 तक भी जा सकती है, अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है तो ये भी कंपनी देखा जाए तो 3000 के लेवल को मतलब जल्द से जल्द टच भी कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू दोस्तों।